पहले से पौन घंटे तक संघ बजाता हूँ, लेकिन देवी माई का समय कीमती है, इसलिए मैं इतनी हाजिरी लगा के अपने आप को संतुष्ट करूंगा। देवी माई को और यहाँ अतिथिगणों को सबको मेरा नमस्कार। ताकि
तुलसीदास जी महाराज की श्री गालो ऋषि की तपस्थली ग्वालियर के इस मुरारक क्षेत्र में श्री राम कथा के छठवें दिन के प्रारंभ में इस नगर की पवित्र भूमि को और अधिक पवित्र करने के लिए ही मानो जिनके चरण पड़े हैं ऐसे मंच पर विद्यमान परम गुरुनिष्ठ और परम गोसेवी पूज्यपाद महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। सभी ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम। कथा के मुख्य यजमान श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर परिवार एवं आप सभी की धर्म निष्ठा का स्वागत धन्यवाद। आज ही पता चला और आज ही साक्षात इस भूमि का दर्शन भी प्राप्त हुआ। इस आदर्श गोधाम का दर्शन करते हुए विश्वास पूर्वक इस मंच से इस धर्म मंच से इस पीठ से हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इस भूमि का ग्वालियर शहर का इस अंचल का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। जहां इतना सुंदर गोधाम मुझे महाराज श्री बहुत अच्छी तरह आप सभी को गुसेवा से जुड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं और आज हम भी इस व्यासपीठ से आप सभी से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि ग्वालियर का कोई नागरिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसने इस गोधाम में जाकर के दर्शन न किया हो। जितना समय बने जाया करो। जहाँ अनक्षेत्र चलता हो ना, कुछ दे सके न दे सके लेकिन जाकर दर्शन करना चाहिए और इससे भाव बनता है और भाव पूर्ति भगवान जरूर करते हैं। जहाँ गो सेवा हो रही हो वहाँ जिनसे जब बने 8 दिन में 1 बार महीने में 1 बार जब जब अवकाश हो आपको लगे अब 2 घंटे कोई काम नहीं है और ऐसे में जाकर के गोदाम में गो माताओं का दर्शन कर लेना चाहिए। जहां 100-200 नहीं कम से कम 5,500 गो माताओं का दर्शन है। 5,500 गो माताएं हैं, 2,000 करीब नंदी हैं और जब गायों का दर्शन करो अपने हाथ से गाय को गुड़ खिलाओ चारा खिलाओ अपने हाथ से स्पर्श करो तब इसमें कोई संदेह नहीं गायों के दर्शन से गायों की सेवा से
गौशाला में सेवा देने से अपने आप सारी टेढ़ी रेखाएं सीधी हो जाएगी। आपके हाथ में जितनी भी टेढ़ी हो सारे ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाए। गो सेवा की ये महिमा पुराणों में वर्णित है, ऐसा नहीं जम के रहे, ये सत्य है, ये शास्त्र सम्मत है। समस्त ग्रहों की एक साथ शांति करना है तो इसका उपाय गायों की सेवा। और जहां जाते हैं कथा के माध्यम से तो वहां पर ये भाव हमारे भीतर होता है कि यहाँ एक सुंदर गोधाम हो, एक सुंदर अनक्षेत्र हो, कोई भूखा न सोए। भूख की वजह से जो पाप होता है, अपराध होता है, कम से कम उस पर रोक लग जाए। एक अच्छा अनक्षेत्र हो, एक अच्छी गौशाला हो और एक सुंदर वेद विद्यालय हो। और पूज्य महाराज के जैसे जब पवित्र साधु के वहां चरण पड़ जाए तो वही तो साक्षात धर्म है, वही धर्म स्थान। जो धर्मात्मा कहलाते हैं पर गायों की सेवा नहीं करता वो धर्मात्मा नहीं है। जो धर्मात्मा कहलाता है लेकिन अन्नदान नहीं करता तो वो धर्मात्मा नहीं है। जो धर्मात्मा कहलाता है पर वेदों की सेवा न करे, वैदिक ब्राह्मणों की सेवा न करे तो वो धर्मात्मा कहता है। जो धर्मात्मा कहलाता है लेकिन महापुरुषों से, संतों से उनका अनुराग नहीं तो वो धर्मात्मा कैसा। धर्म का यही उपाय है। तो बड़ी प्रसन्नता हुई जब इतना बड़ा गोधाम ग्वालियर में है इसका पता चला और बहुत लोग जुड़े हैं। कोई तन से, कोई धन से, कोई सभी तरह से अपनी अपनी उसमें सेवा दे रहे हैं। गायों की सेवा में हमें सहयोगी नहीं बनना होता है, गायों की सेवा करता है वो तो सहभागी बन रहा है, उनका अपना सौभाग्य है। सहयोग नहीं करना है, सहभागी बनना है। तो आप सबको इस दिव्य कार्य से जोड़ने वाले प्रेरक महापुरुष पूज्य महाराज जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन। और अभी अभी इतना अद्भुत शंखनाद हुआ, अब ये शंखनाद ग्वालियर से हुआ, ये शंखनाद यहां से उठेगा और विश्व रिकॉर्ड तो बन ही चुका समझो, इसमें तो कोई संदेह वाली बात, वो तो बन ही चुका। तो जब शंख ना देता है उसी के बाद ही तो कुछ परिणाम लगता है कि इस देश में जो परिवर्तन आएगा, इस देश में जो होना चाहिए माहौल वो बनेगा, ये देश फिर से जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगा। और लगता है कि इसका शंखनाद ग्वालियर से हो चुका है।
द्वारा मन के दोष मिट जाए और उसके बाद प्रभु दर्शन का, प्रभु प्रेम का जो दर्द है उसकी औषधि केवल ब्रह्म है, केवल परमात्मा। प्रेम का, दिव्यता का, श्रेष्ठता का, अलौकिकता का, देवी गुणों का खजाना हम सभी के अंदर है। बस सुमिरन सत्संग और सेवा, मुहूर्त न देखो, नियमित लगे रहो जब इससे, तो इससे एक ना एक दिन आपके भीतर छुपे हुए सारे गुण उजागर हो गए। आपकी महानता को आप जानते नहीं। व्यक्ति स्वयं की महानता से अज्ञात है, व्यक्ति स्वयं की श्रेष्ठता से अज्ञात है, व्यक्ति स्वयं की शक्तियों से अज्ञात है, स्वयं की सुंदरता से अज्ञात है। जो भरी है, जो गुण भरा है आपके अंदर, आप उससे अज्ञात है, क्योंकि दिख नहीं रहा। भीतर गुण भरे हैं और क्रिया में दोष है, इसलिए हम लोगों को भीतर जो गुण है वो नजर नहीं आ रहे हैं, महसूस नहीं हो रहे। बस केवल पर्दा हटाना है, कोई दोषी है नहीं, सब गुणी है। सब गुणों से भरे हुए हैं, सभी के अंदर गुणों का, श्रेष्ठता का, दिव्य जीवन का, पवित्र जीवन का, सबके भीतर गुणों का खजाना है। दोषों का, अपराधों का खजाना कोई नहीं है, मनुष्य गुणों का भंडार है, हम सब गुणों के भंडार। अब कोई पेटी ऐसी हो पुरानी टाइप, बिल्कुल पुरानी गंदी पेटी हो और उसका ताला भी ऐसा हो कि जंग लग गया हो उसके अंदर,
लेकिन उस पेटी के अंदर जवाहरात है, उस पेटी के अंदर सोना चांदी है, तो पेटी का थोड़ी महत्व है। कुछ भी करके ताला तोड़ दो ना, तो भीतर क्या है? भीतर सोने चांदी हीरे मोती खजाना भरा है। बस वही पेटी हम सब है। कुशल करने के कारण बाहर जंग लगी हुई है, तो हमको पता नहीं लगता कि हमारे भीतर भी हीरे मोती भरा हुआ है। हमारे भीतर शक्तियां, हमारे भीतर गुण, अंतरात्मा को दोष अच्छा नहीं लगता। इसलिए दोषी व्यक्ति भी गुणवान पसंद करता है कि मुझे जो मिले वो गुणवान हो, मुझे जो मिले वो वफादार हो, मुझे जो मिले वो कभी झूठ ना बोले। तो आपको ऐसे ही लोग पसंद है जो कभी झूठ ना बोले, इसमें कोई आपराधिक वृत्ति ना हो। आपको ऐसे लोग पसंद है। ये किसे पसंद है? ये पसंद है आत्मा को। हम सबकी चाहत पर जंग हटावे कैसे, ताला खोले कैसे, इस पेटी को खोले कैसे? हम सब वो पेटी है। परिवार से दोष आ गया, माहौल से दोष आ गया, कुसंग से दोष आ गया, गलत चीजें खाने पीने से दोष आ गया, अपवित्र आहार से दोष आ गया, चोरी का माल खाने से दोष आ गया, पाप का पैसा कमाने से, ये सारे। लेकिन ये जंग भीतर नहीं है। भीतर तो हम सब महान है, सब महान है, सब महात्मा है। जिसने इस जंग को हटा करके पेटी को खोल लिया, उसको हम सब ने महात्मा कह दिया। और जो नहीं खोल सकता उसको हम सामान्य कह। तो इसको खोल कैसे? इसको खोलने का तरीका है सुमिरन, सत्संग और सेवा। इसमें समझौता नहीं, मुरुद देखने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको कल पर न छोड़ें। एकादशी के दिन करना है, उस दिन थोड़ा ज्यादा कर लेना, आज भी शुरू कर दो। और ये तीनों क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें संसार अवरोध नहीं करता। आप घर में कभी पूछो, भजन करूं, भगवान का नाम लूं, कोई मना नहीं करेगा। आप घर में पूछो कि अब मैं कुसंग छोड़ू, सत्संगी हो जाऊं, कोई मना नहीं करेगा। आप कभी पूछो कि अब अभी तक तो सेवा लेते रहे हम, अब सेवा करूं, अब मैं सेवा करूं, कौन मना करे? मना कोई नहीं करता। बस ये जंग है, कोई मना नहीं करता, सबको अनुकूलता है। इस पेटी को खोलो, आप स्वयं अद्भुत है, आप स्वयं महात्मा है, आप सब स्वयं महापुरुष है, दिव्य आत्मा है, हम सब अमृत की संतान है। हम सब केवल इस पेटी को खोल दिया जाए तो ये स्वर्ग सम संसार है। सकते हैं सब कुछ, ना कुछ कर सकते हैं, लगने में टाइम लगता है हमको, और लग गए तो स्वर्ग सम संसार। हे प्रार्थना गुरुदेव से, ये स्वर्ग सम संसार अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज। गुरुदेव ये शीश दे, जो सोचने का फल। हे प्रार्थना गुरुदेव से, स्वर्ग सम संसार, ये स्वर्ग सम
संसार ये स्वर्ग सम संसार इससे अंतर जगत में जो खजाना है जो दिव्यता है जो गुण है उन गुणों को आप जागृत कर पाओगे। अलार्म बजने से जैसे आप उठ जाते हैं उस प्रकार सुमिरन सत्संग और सेवा करने वालों के भीतर जो शक्तियां हैं वो जाग जाती हैं, उनके गुण जाग जाते हैं और गुणों को जगा दो तो ये समझ लो गुण की ही खुशबू दूर दूर तक जाती है। और किसी भी उपाय से आप अपना नाम बनाने की कोशिश करो, किसी भी युक्ति से अपना नेटवर्क बना लो कि कैसे अपना नाम बने और कैसे अपने नाम की प्रसिद्धि हो जाए। जिसने पैसों के बल से प्रसिद्धि बनाई, लोगों के बल से प्रसिद्धि बनाई, युक्ति प्रयुक्ति से जिसकी प्रसिद्धि बनी वो प्रसिद्धि कभी न कभी उसमें भूकंप आ जाता है और वो प्रसिद्धि की इमारत खत्म हो जाती है। लेकिन जिसने अपने गुणों को जागृत किया और अपने दिव्य व्यवहार के द्वारा जिसकी खुशबू फैली है उसको कभी कोई हिला नहीं सका। प्रसिद्धि उसकी अमर रहती है जिसकी कीर्ति सद्गुणों के द्वारा बनी होगी। प्रसिद्धि बनाने के लिए प्रयास न करो, सद्गुणों को जगाने के लिए प्रयास करो। और जब सद्गुण जाग गए तो उसके बाद आपकी हर क्रिया ऐसी होगी आपके चाहने न चाहने पर भी अमर हो जाओगे। कुछ नहीं करना करोगे, छुपने का प्रयास करोगे। महात्मा तो छुपने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे कैसे लोग उनको न पहचाने। संत यही चाहता है कि मुझे नहीं, मेरे 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 कार्य को देखो, मुझसे न जुड़ो, मेरे कार्य से जुड़ो। अब जाकर उनके चरण भी धोने के बैठ जाओ आप, लेकिन आप समाज की गायों की धर्म की सेवा ना करो तो क्या अच्छा लगेगा साहब। प्रसिद्धि के लिए युक्ति न करो, कीर्ति बनाने के लिए नाम बनाने के लिए युक्ति न करो, सद्गुण जगाने के लिए प्रयास करो। क्योंकि जिनके सद्गुण जग गए तो दुनिया लाख उस पर पर्दा डालना चाहे लेकिन व्यक्तित्व को कोई ढक नहीं सकता। व्यक्तित्व की खुशबू, व्यक्तित्व का प्रकाश, क्योंकि जब कोई दिव्य व्यक्तित्व उठता है ना सद्गुण के द्वारा उठता है तो हो सकता है कि कलयुगी लोग उस पर भी पर्दा डालने की कोशिश करे कब इसको कोई इसका इसका व्यक्तित्व ध्यान में आवे दुनिया के। लेकिन व्यक्तित्व अपनी जगह बना लेता है, व्यक्तित्व की जगह बनी जाती है क्योंकि सद्गुण की खुशबू अपने आप दूर दूर तक पहुंच जाती है। और मानस के इसी प्रकरण में हमें यह दर्शन हो रहा है कि जब भगवान श्री राम गुरुदेव के चरणों में विद्याभ्यास करने गए और गुरु के द्वारा जब विद्या प्राप्त हुई, बिना गुरु के विद्या प्राप्त हो सकती है लेकिन बिना गुरु की विद्या समाज को प्रकाशित नहीं कर सकती है। बिना गुरु की विद्या व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए प्रसिद्धि दिला सकती है लेकिन बिना गुरु की विद्या औरों के जीवन में स्थापित नहीं हो सकती। बिना गुरु की विद्या प्राप्त हो सकती है लेकिन बिना गुरु की विद्या का पाचन नहीं हो सकता।
और पाचन न होने से वह विद्या विष बन जाए। जब भोजन पचेगा नहीं तो रोग बन जाता है। तो इस प्रकार विद्या भी जब हजम नहीं होती तो विष बन जाती है, और विष बन गई तो उसी विद्या के द्वारा चतुराई पूर्वक आप धन कमाने की कोशिश करोगे, चतुराई पूर्वक अन्य विद्वानों को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, उसी विद्वता के द्वारा औरों का खंडन करोगे, किसी पर व्यंग करोगे, आपका वक्तव्य निंदात्मक हो जाएगा। निंदा की निंदा करते हुए स्वयं निंदा करना, निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी, और इस तरह निंदा की निंदा तो करोगे लेकिन साथ साथ आपके साथ समाज जो व्यवहार कर रहा है उसको जवाब भी दोगे, उसकी निंदा भी करोगे, एक अटपटी बात बन जाएगी। व्यक्ति अपनी विद्वता का सुख नहीं ले पाएगा, जब विद्या पचेगी नहीं तो विष बन जाएगी, और विष बन करके प्रभाव दिखाएगी तो फिर वो क्या प्रभाव होगा, यही होगा व्यक्ति खंडन करेगा, बुराई करेगा, निंदा करेगा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, या फिर उस विद्या के द्वारा केवल धन कमाने की कोशिश करेगा, लक्ष्य ही बदल जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है विद्या सदगुरु के चरण में प्राप्त हो, विद्यावान व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा का कवच हो, क्योंकि विद्या सब संसार में कैसे रहे ये विद्या गुरुजनों के पास कैसे रहे ये विद्या धर्म कार्य किस प्रकार करे ये विद्या धनुष पर बाण कैसे जड़ावे ये विद्या बाण किस दिशा में चलाए ये विद्या मानव जीवन को सार्थक कैसे करे ये विद्या अपने ओर से जगत के जीवों को प्रसन्न कैसे रखे ये विद्या जीव मात्र का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करे ये विद्या सब विद्या अल्प का सब विद्या के क्रोध को वो नाराज हो जाते हैं बात बात में, और फिर हम इससे उनको अधूरा समझ ले कि साधु संत बिल्कुल ऐसे होते बिल्कुल अधूरे होते हैं। लोग बहुत ऐसा बोल रहे कि साधु संतों को आसन में भी थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया तो फिर वो नाराज हो जाते हैं, उनसे जो दूसरे संत का थोड़ा बराबर रखा हो तो वो कहेंगे कि नहीं हम तो ये हैं, हमारा ये पद है, हमारा आसन ये होना चाहिए हमारा, और इसे वो नाराज हो जाते हैं। आसन ऊंचा नीचा और बराबर होने से अगर साधु कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर हिंदू समाज को महात्माओं की कैटेगरी के बारे में पता कैसे चलेगा, उनके उनके पद के बारे में कैसे पता चलेगा अगर नहीं बता रहे तो। ये क्रोध नहीं है, ये उनका अहंकार नहीं है, समाज को मालूम होना चाहिए। साधुओं की कक्षा जो भिन्न भिन्न होती है तो भिन्न भिन्न कक्षाओं का समाज को अनुभव हो, समाज को ज्ञान हो, ये जरूरी है। गुरु
नकारात्मक नहीं होते, अपना तो है नकारात्मक कुछ दिनों के लिए, और इसी प्रकार वो शिष्य के भीतर एक पत्थर के भीतर जो दिव्यता पड़ी है, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व छुपा है, उसको प्रकट करते हैं गुरु। तो जिस समय जो करे तन्मयता से, एकाग्रता से और गुरु का भय अपने मन में हो, ये बहुत शुभ है, बहुत शुभ। शिष्य के मन में भय हो गुरु का, ये बहुत शुभ है। जिसको किसी का भय नहीं वो अनाथ है, क्योंकि उसको तो फिर उस दिन भय लगेगा जब बुलावाएगा तब। जो जिसको गुरु का भय रहता है उसको काल का भय नहीं रहता, जो गुरु से नहीं डरता वो काल से डरता। भय जरूरी, ये शुभ है हमारे। तभी संतुलित व्यवहार रहता है, तब हमारा व्यक्तित्व का एक सुंदर विकास होता है। गुरु गृह गई पढ़ने रघुराय और विद्याओं को अर्जित करके गुरु के सानिध्य में रह करके और गुरुकुल की विद्या में छात्र को सेवा का अवसर मिलता है, और सेवा से अहंकार टूटता है। तो अहंकार तोड़ने की प्रक्रिया के साथ साथ जब विद्याभ्यास होता है वो अपने आप में जीवन को सार्थक करता है। केवल धन कमाने की वो विद्या नहीं है, जीवन को धन्य करने की विद्या है। प्रभु अयोध्या पहुंचे विद्याभ्यास के बाद, और पढ़ी लिखे राम के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, वेद पुराण सुनही मन लाए। और आजकल क्या होता है, पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं, पढ़े लिखे लोगों का मन नहीं बनता, जबकि अनपढ़ राम कभी वेद शास्त्र सुनने के लिए गए ऐसी कथा नहीं है। पढ़े लिखे राम वेद पुराण सुनई मन, जिसमें कुछ करने का सामर्थ्य हो, दूसरा जिसको कुछ करने की इच्छा हो जीवन में, और ऐसे लोग जब सत्संग करते हैं इससे समाज का बड़ा लाभ हो जाता है। कुछ करने की तीव्र इच्छा है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, मुझे जगत के लिए कुछ करना है, और करना ही चाहिए। किसी के यहाँ आप 15-20 दिन के लिए जाते न, तो जहां भी आप जाते हैं उनको आप कुछ गिफ्ट देते हैं, या वो आपको गिफ्ट देते, जहां साथ में रहते ना एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऐसी वस्तु देते कि स्मृति बनी रहे। जिसके यहाँ 5-15 दिन के लिए भी आप जाते हैं और वहां भी आप कुछ स्मृति छोड़कर आते हैं, कुछ गिफ्ट दे करके आते हैं, तो जिस दुनिया में आप 70-80-100 वर्ष तक रहो उसको कुछ गिफ्ट तो दे के जाओ। कुछ कुछ ऐसा करके हम जाए, कुछ नया करके जाए, कुछ अच्छा करके जाए, नया मतलब कुछ श्रेष्ठ करके जाए, जो
पीछे के लोगों के लिए प्रेरणा। आने वाली पीढ़ी के लिए जिससे कुछ बड़ा फायदा हो जाए, ऐसा कुछ करके तो जाए, कुछ दे करके जाए। समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की तीव्र इच्छा हो और साथ साथ जिसमें कुछ करने की क्षमता हो, ऐसे लोग सत्संग करें, ये बहुत जरूरी है। पहले प्रभु का नाम है, सब सुने, बच्चे भी सुने, बूढ़े सुने, सब आनंद करें, लेकिन जगत का लाभ उससे है। श्रीमद् भागवत में आप जानते हैं कि जन्म हुआ तब से नहीं बोले थे सुखदेव जी महाराज, ऐसे आत्मसिद्ध महापुरुष को भी मुखर होने की इच्छा हो गई जब उनके सामने परीक्षित आए तब, क्योंकि परीक्षित राजा थे इसलिए नहीं, परीक्षित कर्म योगी थे इसलिए सुखदेव जी को अच्छा लगा है कि राजा है। जनता के लिए, समाज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करना इसका जीवन रहा है। अब आगे क्या करे, लोगों के लिए क्या करे, जनता के लिए क्या करे, ये उनका जीवन है, सक्षम भी है। और ऐसे में समर्थ गुरु के रूप में आकर के सुखदेव जी ने परीक्षित के काल को ही टाल दिया, काल को टाल करके उनको भागवत सुना, नहीं तो पूरे 7 दिन परीक्षित के पास बचे नहीं थे। जब वो सुखदेव जी तक पहुंचे ना, उस समय परीक्षित जी के पास 7 दिन नहीं थे। क्योंकि 7वें दिन तक्षक के डसने का श्राप जब परीक्षित जी को मिला, उस समय परीक्षित को कहां पता था, श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंग ने श्राप दिया, तो श्रमिक ऋषि तो ध्यानस्थ थे। वो जब 1-2-3 दिन के बाद जब उनकी आंख खुली, उनको बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी, तो फिर कहा कि जाओ परीक्षित को बताओ, फिर जाके बताया। उसके बाद अपने पुत्र को राज दिया तो उनकी वो व्यवस्था में काट भी निकल गया। उसके बाद परीक्षित पैदल निकले घर से, घर छोड़कर जब पैदल गए गंगा तट, और वहां पहुंचने में 1-2 दिन जितना समय लगा, और जब परीक्षित जी सुखदार पहुंचे तो वहां कहां सुखदेव जी तैयार बैठे थे, वहां भी सुखदेव जी थे ना जब वो पहुंचे उस समय। तो और 1-2 दिन बाद सुखदेव जी घूमते फिरते वहां पर पहुंचे, यही मान लो ना कि 7वें दिन, 7वें दिन सुखदेव जी मिले। बस फर्क इतना है कि परीक्षित के पास तक्षक पहुंचे उसके कुछ क्षणों पहले सुखदेव जी पहुंच गए, काल पहुंचे इसके पहले महाकाल पहुंच गया उनके पास, लेकिन काल को टाल दिया सुखदेव जी ने। जब दिन, वो दिन 7वां जिसको मैं 7वां बोलूं, जिसको मैं कहूं कि अभी ये 7वां, तो सुखदेव जी थे, सिद्ध है, बड़े महान योगी है। 1 महीने के बाद कहते होंगे 1, दूसरा 1 महीना, फिर बोले 2, इस तरह। ये तो गुरु की गिनती है, गुरु जान है, ये मरम की भाषा होती है सब गुरु के। परीक्षित के काल को टाल करके कथा सुनाई सुखदेव जी ने, जिसने अपने पिता व्यास को जवाब नहीं दिया था, ये वो सुखदेव जी, लेकिन परीक्षित के सामने मुखर हो गए और प्रसन्नता पूर्वक बोलने लगे थे, क्योंकि परीक्षित कर्मयोगी है, कुछ करने की इच्छा भी है और कुछ करने की क्षमता भी है। ऐसे लोग जब सत्संग करें, इससे समाज का उत्थान हो जाता है, सृष्टि का रंग बदल जाता है, पृथ्वी का कायाकल्प हो जाता है।
लिखे राम के लिए। वेद पुराण कथाएं राम जी सुनते हैं। और कैसे सुनते हैं? वेद पुराण सुने मन लाए। ये बात है, जीवन में राम के गुणों को धारण करो। जब आपका व्यक्तित्व शुद्ध विशुद्ध होगा तो फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी सिद्ध योगी अपनी अपनी शक्तियां आपको प्रदान करेंगे। और जब सिद्धों के द्वारा कृपा शक्ति प्राप्त करोगे तब वैश्विक कार्य को सिद्ध करोगे। विश्व में प्रसिद्ध हो जाना अलग बात है, लेकिन एक वैश्विक कार्य को संपन्न करके जाना ये बहुत अलग है। तो इस प्रकार व्यक्ति शक्तियों से संपन्न हो जाता है और वो महसूस भी करता है कि हम जो कर रहे हैं इसकी हम में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन कोई कराता है। जब गुरु कृपा से सिद्धों की शक्ति से आपके अंदर कोई विशेष बात आ जाती है और जो काम करोगे उस समय आप खुद महसूस करोगे कि कोई कराता। हम कर नहीं रहे हैं, कोई करा रहा है, कोई कर रहा है, इस शरीर के द्वारा कोई कर रहा है, ऐसा महसूस करोगे। तो ऐसी बहुत घटनाएं हैं, पुराणों में भी है और कई महापुरुषों का यह अनुभव है कि कहीं से कुछ आया, कोई शक्ति आई जो हमसे करा रहे। ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए राम को अपना लो। पहले राम के शील को, राम की मर्यादा को, राम की पवित्रता को जीवन में धारण कर लो तो विश्वामित्र खुद ही आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे और इस देश के सिद्ध अपनी अपनी शक्ति आपको प्रदान करें। गोस्वामी जी परिचय कराते हैं विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र का प्रतिनिधित्व विश्वामित्र जी कर रहे हैं और सब मिलकर के अब राम को शक्ति संपन्न, सीता संपन्न बनाना चाहते हैं। और राम सीता संपन्न, शक्ति संपन्न, अलौकिक शक्तियों से राम भर जाए
तो फिर राम के द्वारा ऋषि मुनि रावणी वृत्ति का विनाश करा करके विश्व का मंगल करना चाहते, क्योंकि राम जन्म जग मंगल, राम जन्म जग मंगल है, राम जन्म जग मंगल है। मन पवित्र है जिनका, तन पवित्र है, विचार पवित्र है, बुद्धि पवित्र है, दृष्टि पवित्र है, तो इस देश के संत महापुरुष भी चाहेंगे कि जो कुछ जप तप किया है, उनसे जो थोड़ी बहुत शक्तियां उपलब्ध हुई हैं, वो हम सीधे सीधे लोक कल्याण में न लग करके कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व को शक्ति दे करके उस रूप में संत महापुरुष ही काम करते हैं। जो तप करते हैं, भजन करते हैं केवल, और लोग ये सोचते हैं कि तो केवल तपस्या कर रहे हैं, कोई गुफा में जाकर बैठा है और सालों तक गुफा में बैठकर भजन करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि देश के लिए क्या क्या। जो गुफा में बैठा है और भजन कर रहा है, उसने देश के लिए क्या किया? महीने तक जो तप करते हैं, वो उसने तप किया देश के लिए क्या किया? अरे देश के लिए वो ही कर रहा है जो गुफा में भजन कर रहा है, देश के लिए वो ही कर रहा है। जो कहीं जंगल में तप करता है, वही देश के लिए कर रहा है, क्योंकि वो अपनी साधना की शक्ति किसी योग्य व्यक्ति को प्रदान करता है, और फिर वो योग्य व्यक्ति के द्वारा जगत का कल्याण भी वो ही कर रहा है। ये न समझो, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसही विपिन शुभ आश्रम, वो तो जंगल में रहते हैं, विपिन यानी जंगल। साठ हजार वर्ष तपस्या की है विश्वामित्र जी ने, और इसलिए तपस्वियों में विश्वामित्र जी के बराबर कोई नहीं था। गायत्री मंत्र के उद्गाता विश्वामित्र जी महाराज है, इस जगत को गायत्री प्राप्त हुई है, विश्वामित्र जी के द्वारा प्राप्त हुई है, यह विश्वामित्र जी का महाप्रसाद है गायत्री। विश्वामित्र जी पुरुषार्थी महापुरुष रहे, जब उन्होंने वशिष्ठ जी का ब्रह्म तेज देखा और उससे प्रभावित हुए, अपने क्षत्रिय बल का वो उद्धिकार करने लगे, दिग्बलम क्षत्रिय बलम और ब्रह्म बल का वो जय जयकार करने लगे। और समझ गए आज नहीं तो कल, और हम लोगों को भी ये समझना है, आज नहीं तो कल कभी भी, लेकिन केवल हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को ब्रह्म तेज का स्वीकार करना पड़ेगा, ब्रह्म तेज के आगे झुकना पड़ेगा, ब्रह्म तेज को मानना पड़ेगा कि जो ब्रह्म तेज कर सकता है, जो वेद कर सकता है, जो वेद मंत्र कर सकता है, वो जगत में कोई नहीं कर सकता। एक दिन जगत को मानना ही पड़ेगा, पूरे विश्व को नतमस्तक होना पड़ेगा ब्रह्म तेज के आगे। जन्म से क्षत्रिय और विश्वामित्र जी ने माना, पुरुषार्थवादी होने के कारण अगले जन्म में ब्राह्मण बनूंगा ऐसा नहीं सोचा,
ब्रह्म तेज से वो प्रसन्न है, प्रभावित है, नतमस्तक है। पर विश्वामित्र जी ने यह नहीं सोचा कि मैं अगले जन्म में तो ब्राह्मण बनूंगा ही नहीं। अगला जन्म किसने देखा? विश्वामित्र जी ने निर्णय कर लिया कि मैं इसी जीवन में अपने क्षत्रिय शरीर में जो क्षत्रियपना है, जो द्वेष है, राग है, वो सारा क्षत्रियपना समाप्त करूंगा और मैं इसी शरीर में ब्राह्मण बनूंगा अगले जन्म में नहीं। इसी और इसके लिए 60,000 वर्ष तपस्या के और इससे राग द्वेष को समाप्त किया। लेकिन तब भी मारी जोर सुबाहु सूक्ष्म रूप में राग द्वेष ही है। बड़े सावधान है, मननशील है, मुनि है, अपने मन को बार बार जागते रहते, निज दर्शन करते रहते। इसलिए विश्वामित्र जी समझ गए कि सूक्ष्म रूप में भी अगर मेरे भीतर राग द्वेष है तो वो कभी भी सर उठाएंगे। सूक्ष्म रूप में भी राग द्वेष न रहे। राग द्वेष मिटाने के लिए 60,000 वर्ष तप किया, लेकिन सूक्ष्म रूप में जो राग द्वेष है उसका नाश तो तब होता है जब जीवन में भगवान आ जाए और भगवान जा जाए। अपने आप को तपाया है लेकिन भगवान आ जाए और भगवान छा जाए तो भगवान तो केवल भक्ति से आता है, भजन से आता है, उसमें तप की आवश्यकता नहीं थी। तप के द्वारा अपने आप को तपा लिया। तपस्या तो हो गई, अब जीवन को ब्रह्ममय करने के लिए, प्रभुमय करने के लिए ऐसी तल्लीनता, ऐसी मस्ती, ऐसी भक्ति, ऐसी दीवानगी, ऐसा पागलपन परमात्मा के लिए मैं कहां से लाऊं? ऐसी रस प्रवाहिता मुझे कहां से मिलेगी? जहां होगी वहीं जाना चाहिए। और जब विश्वामित्र जी ने ध्यान में देखा तो वो समझ गए कि ऐसा व्यक्तित्व जगत को राम रस, तो वो व्यक्तित्व तो अयोध्या में है, महाराज दशरथ जी है जो जगत में राम राम रस को लाए। अब विटम्बना ये थी, 60,000 वर्ष पहले विश्वामित्र जी अयोध्या गए थे, तब वशिष्ठ जी के पास उन्होंने गाय मांगी थी, एक बड़ी प्रभावी गाय थी, और वशिष्ठ जी ने न दी। फिर विश्वामित्र जी ने कुछ समय तक उनको परेशान किया, फिर उनके ब्रह्म तेज से वो प्रभावित भी हो गए, क्योंकि जब बहुत बड़ा सैन्य लेकर विश्वामित्र जी गए तो वशिष्ठ जी ने तो अपनी साधनाओं की शक्ति से कई गुना सैन्य खड़ा कर लिया। ब्राह्मणों के पास, ब्रह्मवेत्ताओं के पास तो अपनी योग की शक्ति, साधनाओं की शक्ति, तो योग साधना की शक्ति से इतना बड़ा सैन्य और इतना अद्भुत तैयार कर लिया कि विश्वामित्र जी को वहां से हटना पड़ा। साधना में बड़ी शक्ति है, साधना करो, तपस्या करो, इससे शक्ति तो प्राप्त होती ही है। इसलिए नियम यह रहता है कि पहले सत्संग के द्वारा व्यक्ति को अपना हेतु शुद्ध कर लेना चाहिए और उसके बाद साधना के द्वारा शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि जिसका हेतु शुद्ध ना हो उसको शक्ति मिल जाए तो परिणाम भयानक होता है। इसलिए पहले राम कथा से, राम नाम से अपने जीवन का उद्देश्य शुद्ध कर लेना चाहिए और उसके बाद साधना करनी ही चाहिए जीवन में। साधना नहीं करोगे तो खाली हो जाओगे, साधना नहीं करोगे तो भीतर से खोखले हो जाओगे, साधना नहीं करोगे तो खत्म हो जाओगे।
जरूरी है साधना। जब आप लोगों से कोई कहने कोई साधना की कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, मजा करो मत, तो अच्छा लगता है आप लोगों को, क्योंकि वही तो कर रहे हैं। ये अपने लिए है। आपको कह दिया जाए कि कुछ नहीं करोगे तो चलेगा, तो आपको अच्छा भी लगेगा, और हम विराम करके चले जाएंगे यहाँ से 15 तारीख को। लेकिन कोई फायदा नहीं है, लाभ इसमें है कि साधना हो, जीवन में तपस्या हो, विश्वामित्र जी का सैन्य को परास्त कर दिया, और वशिष्ठ जी के पास कोई सैन्य नहीं था, योग शक्ति के द्वारा ही वशिष्ठ जी ने सैन्य पर खड़ा किया था अपनी योग साधना के द्वारा। उसके बाद विश्वामित्र जी गए और उन्होंने भी तपस्या की, लेकिन विटंबना यह है कि 60,000 वर्ष पहले गए तब मागी गाय, और उसके बाद तो वो कभी जाते ही नहीं थे अयोध्या, और आज 1,000 वर्षों के बाद अभी विश्वामित्र जी अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए हैं, तब भी मांगने के लिए, क्योंकि जो मालदार होगा वहां तो सबको मांगना ही पड़ेगा, और जिसके पास साधनाओं की शक्ति होगी, जिसके पास सदगुरु की दी हुई सिद्धियां होगी, वहां तो सबको जोली फैलानी ही पड़ेगी। वस्तु है वही तो मांगना पड़ेगा ना। ध्यान में देखा, विश्वामित्र जी जानते हैं परमात्मा को प्रकट किया है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनको पूरी दुनिया के साधु संत अपनी शक्तियां दे और वो हजम भी करे, और उन शक्तियों के द्वारा रावणों का विनाश करे और जगत का मंगल करे, ऐसा कोई व्यक्तित्व, ऐसा कोई राम आ चुका है, और वो महाराज दशरथ जी के घर में है। व्यक्तित्व राजा के घर में है या प्रजा के घर में है, इससे महापुरुषों को कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण के घर में व्यक्तित्व जन्म हुआ है या किसी शूद्र के घर में व्यक्तित्व प्रकट हुआ है, इससे सिद्धों को कोई मतलब नहीं होता। सिद्ध तो यही देखता है कि शक्तियों को पचाने वाला पात्र कहाँ है, वो हमारा राम है, और उसमें हमें शक्ति देनी है, उसी के द्वारा विश्व मंगल करना है। एक फूल है बगीचे में खिला है कि कीचड़ में खिला है, वो नहीं देखा जाता। संत यही देखता है कि फूल है ना, बस तो वो फूल है, तो उसको लेकर के देवता के चरण तक पहुंचाया जाता। सिद्ध अपनी शक्ति प्रदान करने में जाति नहीं देखता, उम्र नहीं देखता, वो राजा का बेटा है कि प्रजा का, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि शक्तियों को हजम कर सकता वो व्यक्ति, तन मन से निर्विकार है कि नहीं, बस ये देखता है। आज फिर विश्वामित्र जी को जाना तो उधर ही है, बड़ा संकोच भी हो रहा होगा, तब भी मांगने गया और आज भी मांगने जा रहा हूं, पर वस्तु है वहां। विश्वामित्र जी पहुंचे, राजभवन में प्रवेश हुआ, परिवार सहित महाराज दशरथ जी प्रणाम करते हैं, अपने राज सिंहासन पर बिठा कर उनकी पूजा करते हैं, भोजन कराते हैं, और उसके बाद पूछा, आपके आगमन का कारण क्या है, हम आपकी क्या सेवा करें। सभा में वशिष्ठ जी भी उपस्थित हैं, और ऐसे में विश्वामित्र जी की यहाँ पर भक्ति भी है,
व्यंग भी है। जब महाराज ने पूछा कई कारण आगमन तुम्हारा, तो विश्वामित्र जी क्या बोले, मैं जाचल सतावे मोही, मैं जाचन आयो, ये विनम्रता है, मैं मांगने के लिए आया। जन्म से क्षत्रिय विश्वामित्र जी याचना नहीं कर सकते। दूसरा, 7000 वर्ष तपस्या करके अब सिद्ध हो गए हैं और सिद्धों को याचना करने की कोई जरूरत नहीं होती। जो सिद्ध है का संकल्प करते हैं जिस कार्य का, वो कार्य की व्यवस्था से उसके अनुरूप वस्तु और व्यक्ति। इसलिए याचना जीवन में पहली बार कर रहे हैं, मैं जाचन आया हूं, मैं याचना के लिए आया हूं। क्योंकि आज विश्वामित्र जी को जो चाहिए वो राम चाहिए, राम भक्ति चाहिए, राममय जीवन चाहिए। तो बिना याचना के राम भक्ति प्राप्त नहीं होती। लेकिन व्यंग कहाँ है? व्यंग था, मैं जाचन आयो नृप तो ही, ये तो ही करने की क्या जरूरत थी? तो ही, वो भी ही जोड़ दिया। महाराज दशरथ जी से कह रहे, मैं तुमसे ही मांगने आया, मैं तुमसे ही मांगने आया। क्योंकि व्यंग है वशिष्ठ जी के लिए कि मैं आपसे मांगने नहीं आया, आप तो कंजूस है। उस दिन एक गाय नहीं दी, इतनी सारी गाय आपकी गौशाला में थी, मैंने एक छोटी सी मांगी और आपने दिया नहीं। व्यंग था। दशरथ जी से कहा, मैं तुमसे ही मांगने आया हूँ, ये तो कंजूस है, इनसे नहीं। वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई ये बात सुन करके। भले व्यंग हो, लेकिन पहले तो मैं ही इतना धनी था कि मुझे आपके जैसे लोगों को मांगना पड़ता था, लेकिन अब तो मेरा चेला भी माला माल हो गया है, वहां भी याचना करनी पड़ती है आपको, मेरे चेला भी माला माल है, अब मेरे शिष्यों को भी राम मिल गया है, जीवन में रस मिल गया है। एक भाई सहित राम चाहिए राक्षसों के उद्धार के लिए, और राम मुझे मिल गए तो मैं सनात हो जाऊंगा, निशिचर बद में होब सनात, हमें सनात हो जाओ। तो क्या अनाथ है? हाँ, स्वयं को अनाथ महसूस कर रहे हैं, स्वयं को अकेला महसूस कर रहे हैं, स्वयं को अधूरा महसूस। जहां भी भक्ति की कमी है, जहां भी गुरु कृपा की कमी है, वो व्यक्ति दुनिया में कितना भी बड़ा नाम क्यों न कमा ले, लेकिन उसको करीब से समझो तो कभी कभी आप महसूस करोगे कि वो खुद को अकेला महसूस कर रहा है, वो खुद को अधूरा महसूस कर रहा है। वो खुद को खाली और खोखला महसूस कर रहा है। अपना अस्तित्व टिकाने के लिए उनको न जाने कितने प्रपंच करना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं को खोखला महसूस कर रहा है। जहां कृपा का अभाव है, भक्ति का अभाव, निशिचर बद में होब सना था। जैसे ये बात रखी और महाराज दशरथ जी बदल गए बिल्कुल। उन्होंने तो अपमान कर दिया,
कहा कि आप ब्राह्मण तो बन गए लेकिन फिर भी विचार पूर्वक नहीं बोलते, विप्रवचन नहीं कहे वो बिचारी। अब ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को शास्त्रों का अभ्यास होता है और शास्त्रों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति विचार पूर्वक न बोले ये अच्छी बात नहीं। शास्त्रों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति की वाणी में अविवेक नहीं होता, वाणी विवेक तो उनके लिए सहज है ना, क्योंकि वो अध्ययन कर रहे ग्रंथों का। आप ब्राह्मण होकर भी प्रवचन नहीं कहे वो विचारी। आप विचार पूर्वक नहीं बोलते हैं। ऐसा कोई विश्वामित्र जी को कहे तो विश्वामित्र जी श्राप दे देते, 60,000 वर्ष तप करके आए हैं, इतना सामर्थ्य उनका भी है, पर विश्वामित्र जी यहाँ तपस्वी के रूप में नहीं, भक्त के रूप में है, याचक के रूप में है, और इसलिए नाराज नहीं हुए, बल्कि विश्वामित्र जी ने महाराज के राम प्रेम को प्रणाम किया। और वो भी मन ही मन हंसे, मैं तो ये समझता था वशिष्ठ जी कंजूस है, दशरथ जी उदार होंगे, लेकिन अब पता चला ये कंजूस गुरु का चेला है आखिर, और अपने गुरु को पूरा अपने जीवन में डाला तो ये उदार कैसे होगा। अब धन मांगिए, भूमि मांगिए, ये सब मैं दे सकता हूँ, यज्ञ के लिए आपको सामान चाहिए तो बोलो मैं आपको दे सकता हूँ, मैं जड़ चीजें दे सकता हूँ आप, लेकिन आज आप चैतन्य चीज मांग रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि अब मुझे जड़ नहीं, अब मुझे चैतन्य वस्तु चाहिए, तो महाराज ने कहा तो मैं आपको वो वाली गाय दे दूं, वो वाली गाय जिस दिन नहीं दी थी वो गाय दे दूं मैं आपको, लेकिन राम देते नहीं बने। ये तार का है तो राम किसी पेड़ के पीछे छुप जाएंगे डर के मारे, पर जब कहा कि ये तार का है बड़ी भयानक है, सुनते ही भगवान ने जब धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके श्री राम ने ताड़का की ओर जिस तरह से दृष्टि की है, ताड़का को जिस तरह से भगवान ने ताका है, भगवान की उस समय की एकाग्रता से विश्वामित्र जी समझ गए कि ये अवतार है, मौके पर अवतार ही इतना तन्मय होकर काम कर सकता है। बाण छूटने के बाद तय नहीं हुआ कि बाण छोड़ दिया ताड़का का उद्धार, उसके बाद राम को ब्रह्म के रूप में जाना नहीं, जब राम की एकाग्रता का दर्शन किया ताड़का की ओर जिस तरह से राम जी ने ताका, ये स्थिति ही अवतार की है। जब अवतार मनुष्य बनकर आता है तो वो मनुष्य लीला तो करता ही है, लेकिन अवतार कभी कभी अपनी तन्मयता का, अपनी एकाग्रता का दर्शन किसी अधिकारियों को करा देते हैं। एक ही बाण प्राण हरि लेना और दिन जानी ते ही निज पद दिनहा, प्रभु ने अपना पद दिया ताड़का, क्योंकि भगवान के सामने गई तब राक्षसी है, बाण चढ़ाया प्रभु ने तब राक्षसी है, राम जी का बाण चला तब भी राक्षसी है, लेकिन राम बाण लगने के बाद ताड़का राक्षसी नहीं है। जिसके हृदय में राम बाण लगता है वो दूसरा राम बन जाता है, और इसलिए भगवान ने ताड़का को अपना धाम नहीं, दीन जानते ही निज पद दिन्हा, राम पद को प्राप्त हुई है, यानी रामाकार हो गई है। जिसके हृदय में राम बाण लग जाए वो रामाकार हो जाता है। और तबर इसी निज नाथ ही जिए चिन्ह,
विद्या निधि कहूँ विद्या दिन है, प्रभु को अपनी सारी विद्याएं समर्पित कर दे, अपनी सारी शक्तियां दे दी। उसमें ऐसी ऐसी शक्तियां थी कि जितना चाहे अन्न जल के बिना भी राम को कभी रहना पड़े तो रह सके, क्योंकि सारे ऋषि यही चाहते हैं, पूरा भारत वर्ष यह चाहता था, पूरे भारत वर्ष के महात्मा यह चाहते थे राम के द्वारा विश्व मंगल हो, राम के द्वारा विश्व का कोई अद्भुत काम हो, राम के द्वारा यह विश्व वैकुंठ हो, रावणों का विनाश हो, ये पूरे भारत वर्ष के महात्मा चाहते थे। और जब वैश्विक कार्य के लिए जब कोई चलता है तो उसको कभी भूखा भी रहना पड़ता है, कभी प्रतिकूलता में रहना पड़ता है, और इसलिए जिसके द्वारा जगत का काम इस देश के महापुरुष कराना चाहते हैं तो गुरुजनों के द्वारा पहले उसको ऐसी शक्ति दी जाती है कि वो सभी प्रकार की परिस्थितियों में रह सकता है, कभी छाव में, कभी धूप में, कभी जयजयकार में, और कभी पूरी तरह असुविधाओं में, कभी फूलों पे चलना है उसको, कभी उसको कैसे भी मार्ग पर चलना है, लेकिन ऋषियों ने, तपस्वियों ने, सिद्धों ने जो पात्र तैयार किया होगा वो व्यक्तित्व सभी प्रकार से रह लेगा, और सभी प्रकार की सुविधा असुविधा में रहकर भी वो आखिर जगत का काम सिद्ध करेगा। ऐसी सिद्धियां राम को दी विश्वामित्र। जब राम को भूखा रहना पड़े तो रह सके, राम को कभी जल भी न मिले बहुत दिनों तक तो भी वो रह सके, इस प्रकार की सिद्धियां महापुरुषों ने। विद्या निधि कहूं विद्या देने है, प्रभु को पहचाना। लेकिन अब बात यह है, अब यज्ञ करे तो कौन सा यज्ञ करे? मुझे भगवान मिल गया है, अब मुझे यज्ञ की क्या आवश्यकता? विश्वामित्र जी तो ये सोचेंगे ना, मैं अपने ईश्वर से युद्ध क्यों करवाऊं, मैं अपने भगवान से मेहनत क्यों करवाऊं, जब मैंने पहचान लिया है अब मैं अपने भगवान से मेहनत क्यों करूं? लेकिन खुद भगवान ने कहा आप यज्ञ करो। पूछा विश्वामित्र जी ने कि प्रभु जिसे साक्षात्कार हो जाए वो कौन सा यज्ञ करे? भगवान ने नाम दिया कि जिसे साक्षात्कार हो जाए उसे चाहिए कि वो निर्भय यज्ञ करे। स्वयं निर्भय हो गए ऐसे महापुरुषों के द्वारा समाज को निर्भय किया जाए, जगत को भयमुक्त करो। स्वयं भयमुक्त हो गए तो जगत के जीवों को भयमुक्त करो, ये भी यज्ञ है। और जगत को भयमुक्त करने का यज्ञ सत्संग यज्ञ भी होता है। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, प्रभु रक्षा करते हैं। मारीच सुबाहु जब उसमें विघ्न के लिए पहुंचे, भगवान ने सेना सहित, सैन्य सहित सुबाहु का उद्धार किया है, मारीच की सेना को समाप्त किया, मारीच को बिना नोक का बाण मार करके 100 योजन दूर कर दिया। बिना नोक का बाण, महापुरुषों का वचन बाण, बिना नोक का ईश्वर का बाण होता है। सद्गुरु आपको कुछ कहे तो ये समझ लो बिना नोक का ईश्वर का बाण है, इससे मनुष्य मरेगा नहीं लेकिन हृदय परिवर्तन होगा, मरेगा नहीं बदलेगा जरूर। एक सुयोजन माया होती है, भगवान ने उनको माया से बाहर कर दिया, माया से परे कर दिया, और अब विश्वामित्र जी उन
के अपने जीवन यज्ञ को तो सिद्ध कर लिया। मारीच सुबाह से मुक्ति हो गई, राग द्वेष से मुक्ति हो गई, सूक्ष्म विकारों से मुक्ति हो गई, जो जीवन यज्ञ तो संपन्न हो गया। और देखिए, जगत का काम वो करते हैं जिसका अपना जीवन पहले पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। जिसका जीवन यज्ञ सिद्ध हो गया हो, वो जगत के अन्य यज्ञों को भी सिद्ध करा सकता है। ये समझ गए थे विश्वामित्र जी कि मैं जब जब यज्ञ करता हूं, मारुच सुबाहु आ जाते हैं, उनका खतरा बना रहता है। इसलिए समझ गए थे, जब तक मेरा जीवन यज्ञ सफल नहीं होगा, तब तक मेरे द्वारा विश्व कल्याण का यज्ञ भी सफल नहीं होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब कौन नहीं चाहता विश्व शांति हो? कौन नहीं चाहता? बड़ा खूबसूरत शब्द है, सबको अच्छा लगता है। विश्व शांति, विश्व शांति, सबको अच्छा लगता है। लेकिन आपके अपने स्वभाव के कारण घर में भी उत्पात होता है, तो आपके द्वारा कैसे होगी विश्व शांति? जो व्यक्ति अपने स्वभाव को ही नहीं सुधारता है, एक व्यक्ति के स्वभाव के कारण घर में क्लेश होता है, घर में उपद्रव होता है। आप जहां भी जाते हैं, वहां अपने स्वभाव के कारण क्लेश और झगड़ा और संघर्ष ही पैदा कर लेते हैं। और फिर आप कहोगे, मुझे विश्व शांति के लिए यज्ञ करना है। होगा कैसे? होगा? विश्व शांति का काम करना सबको करना चाहिए, लेकिन विश्व शांति की शुरुआत स्वभाव से होती है। विश्व शांति के कार्य की शुरुआत तो स्वयं से होगी ना, कि पहले आपका अपना व्यवहार ऐसा ना हो कि आपके कारण कहीं अशांति हो, आपके कारण घर में उपद्रव हो, आपके कारण समाज में किसी को कष्ट हो। जब तक आपका स्वभाव शांत नहीं हुआ, तब तक आप विश्व शांति में सफल नहीं हो सकते। आपकी फोटो छप जाएगी, बड़े बड़े बैनर लग जाएगा, अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों से आपका नाम आ जाए, वो सब हो जाएगा, लेकिन विश्व शांति नहीं होगी। वो तो तभी होगी कि तरीका सही हो, और सही तरीका ये है कि पहले स्वभाव शांत करो और उसके बाद विश्व शांति में जुड़ो। अपने भीतर उपद्रव होगा, वो व्यक्ति भीतरी उपद्रव के कारण ही तो जहां जाए वहां उपद्रव करते, वो उपद्रव अपना। ये समझ लिया विश्वामित्र जी ने, और वो चाहते थे विश्व कल्याण, विश्व कल्याण, विश्व कल्याण, लेकिन समझ गए कि जब तक मेरा अपना कल्याण नहीं कर लूंगा, मेरा अपना जीवन में सिद्ध नहीं कर लूंगा, तब तक मुझसे विश्व कल्याण नहीं। इतना अगर मैंने कर लिया तो मैं जिन पर हाथ रख दूं उससे भी कम हो जाएगा, जिस राम को अपनाऊं उससे भी हो जाएगा। और यहां जीवन यज्ञ संपन्न हुआ है, और इसके बाद विश्वामित्र जी वैश्विक यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रभु को जनकपुर ले जाना चाहते हैं। और जनकपुर के मार्ग में एक आश्रम है, बड़ा दिव्य प्रकरण को स्वामी जी रखते हैं, उस पर चर्चा करें। इसके पहले 2-4 मिनट के लिए थोड़ा संकीर्तन कर ले।
जनकपुर के मार्ग पर चलते हैं और उस मार्ग में एक सुंदर आश्रम देखा। इस आश्रम की विशेषता है खग मृग जीव जंतु कछु ना है, जीव जंतु भी नहीं है। राम जी खड़े रह गए, विश्वामित्र जी से पूछने लगे कौन रहता है यहाँ, यह आश्रम किसका है। और विश्वामित्र जी ने जी का परिचय भगवान को जो दिया है वो कई रूप में है। विश्वामित्र जी ने बताया गौतम नारी साप बसे उपल दरी तीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघु परिचय है कि गौतम नारी है। अपनी ओर से विश्वामित्र जी ने बताया कि मैं मानता हूं कि ये गौतम की नारी है। दूसरा परिचय, इस स्वयं को इस वक्त श्रापित समझ रही है, श्रापवश दुनिया की दृष्टि में ये स्त्री इस समय जड़वत बनी हुई है। उपल देह धरी फिर लोग इसको जड़वत समझ रहे हैं। लेकिन इस महिला से अगर आपका परिचय क्या है, आप कौन है, स्वयं का परिचय देती है जिस शब्द में वो शब्द है चरण कमल रज। इस स्वयं को साधु संतों की गुरुजनों के चरणों की रज समझती। अहल्या ने अपना नाम रखा है चरण रज, वो स्वयं को अहल्या नहीं कहती, चरण रज कहती। इसलिए मानस में यहां अहल्या शब्द का प्रयोग ही नहीं। पूरे प्रकरण में कहीं भी अहल्या नहीं मिलेगा। चरण कमल रज, राम जी को भी यह नाम अच्छा लगा तो राम जी ने पूछा कि ये रज नाम की, चरण कमल रज नाम की ये स्त्री ये चाहते क्या है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि कुछ नहीं, बस कृपा करो रघुवीर, ये केवल कृपा चाहते।
केवल कृपा, तो कृपा कृपा का स्वरूप क्या है? इस दुनिया में विशुद्ध संत भगवत कृपा का साक्षात स्वरूप होता है। अब मोहे बाप मनता बिनु हरि कृपा मिले नहीं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो संत कौन है? राम कृपा स्वयं संत के रूप में जगत में आती है, इसलिए पहले संत मिलता है बाद में भगवंत, पहले कृपा होती है बाद में कृपा निधि मिलता है। यहाँ राम कृपा का साक्षात स्वरूप विश्वामित्र जी, लेकिन विश्वामित्र जी राम जी को समझ चुके हैं, पहचान गए हैं, इसीलिए यदि पहचान नहीं होते तो राम से कहते कि इसका कल्याण कर दो, लेकिन पहचान गए हैं कि ये अवतार है, इसलिए विश्वामित्र जी का राम के प्रति आदर भी बहुत है, इसलिए पहले राम की इच्छा को जानते हैं, उसके बाद राम को आज्ञा। ये कृपा से आती है, और कृपा का मतलब है विश्वामित्र जी एक बार दृष्टि कर ले अहल्या पर। जब विश्वामित्र ने की दृष्टि तो समझ लो राम जी को तो करनी पड़ेगी। इसलिए विश्वामित्र जी पूछ रहे हैं तो आपकी आज्ञा क्या है? ये कृपा चाहते हैं, मतलब एक संत का उन पे आशीर्वाद हो जाए, ये चाहते हैं। अहल्या जड़वत है, लेकिन अहल्या की जड़ता का प्रकार क्या है? वो लोग होते हैं जो भगवान को बिल्कुल नहीं जानते हैं, और जड़ वो भी होते हैं जो भगवान को बिल्कुल जानते हैं, वो भी जड़वत, वो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। जो वर्णन भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ का, वो स्थित प्रज्ञता ईश्वर को जानने के कारण व्यक्ति लापरवाह हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, मस्त हो जाता है, वो किसी की परवाह ही नहीं करता। जगत क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, एक मस्त कभी नहीं सोचता। ईश्वर को बिल्कुल न जाने वो जड़ होता है, और जो ईश्वर को बिल्कुल जानता है वो भी जड़ होता है। अहल्या की जड़ता ईश्वर को न जानने वाली जड़ता नहीं है, ईश्वर को बिल्कुल जानने वाली जड़ता है, इसलिए वो भरी है दिव्यता से, चैतन्यता से भरी है अहल्या। यहाँ तक कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, श्री राम की इस यात्रा का मूल हेतु अहल्या है। न विश्वामित्र जी के यज्ञ, न धनुष भंग, न विवाह, न परशुराम जी का पराजय, राम की इस यात्रा का मूल बीज अहल्या ही। देखिए सामर्थ्य उसके विश्वास का, विश्वामित्र जी की तरह न तो जाना पड़ा राम जी को लेने, इतना नहीं, एक संदेश नहीं भेजा, एक चिट्ठी नहीं भेजी अयोध्या में कि कोई है आपकी राह देख रही है, लेकिन राम जी एक कदम आगे नहीं जा सकते और ये खड़े रह गए। जैसे किसी ने राम के चरण को पकड़ लिया हो, अब राम एक कदम नहीं चल पा रहा है बिना इसका उद्धार के। पत्थर के स्वरूप में तो भगवान होता है मूर्तियों में, लेकिन राम जी ने सोचा जब मैं पत्थर में होता हूँ मूर्तियों में, तब मेरा भक्त मेरी ऐसी आराधना करता है, उपासना करता है, पुकार लगाता है कि वो मुझे पत्थर से प्रकट कर लेते हैं और मेरा अवतार होता है, और आज जब मेरा भक्त पत्थर में है तो उसको प्रकट करने की बारी मेरी है। शोक न सामने
किए भये प्रकट और अहल्या महिला के रूप में रज नारी जाती है, रज नारी जाती है, इसलिए भई राम जी भये प्रकट तो ये भई प्रकट भगवान से कम नहीं। अवतार की दृष्टि में विशेषता होती है, अवतार की वाणी में निर्मलता होती है, अति निर्मल वाणी। अहल्या की वाणी में कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार की कामना पूर्ति करने की कोई गंध नहीं। वरना व्यक्ति बोलता है तो उसकी अपनी, उसके मन में जो कामनाएं भरी हो, इच्छाएं भरी हो, उसकी बदबू आ जाती है। जब व्यक्ति बोलता है तो जिन जिन लोगों के प्रति उनके मन में विरोध है, वो विरोध अटपटे में बाहर आता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, अति निर्मल वाणी, स्तुति ठानी, क्योंकि अवतार की वाणी उसमें दोष नहीं पड़ता। और अहल्या में तीनों काल का ज्ञान आ गया, भूतकाल के सत्य को समझ गए, मैंने श्राप जो दिन्हा अति बल के नहा, वर्तमान में मेरे सामने है वो परमात्मा, वो भी जानती है। और अहल्या ने भविष्यवाणी कर दी, रावण रि पूजन भविष्यवाणी कर रही, तीनों काल का ज्ञान। मनुष्य की बुद्धि सबसे पहले अहल्या होती है, अहल्या बुद्धि इसको कहते हैं। जमाना सुधरे तो बुद्धि सुधरे, और जमाना बिगड़े तो बुद्धि भी बिगड़े, उसको अहल्या। और बहुत लोग ऐसे कमजोर होते हैं कि जो शराबियों के बीच में रहेंगे तो वो भी शराबी हो जाएंगे, फिर कहेंगे वो सब लेते तो हमको भी। ये अहल्या है, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो वहां भी वो भजन करने लगेंगे, मंजीरे बजाने लगेंगे। माहौल बुद्धि को प्रभावित करे, ये बुद्धि की कमजोरी है। और ऐसी कमजोर बुद्धि को अहल्या कहते हैं। लेकिन ऐसी कमजोर बुद्धि के लोग अगर गौतम के संग में आ जाए, साधु के सेवा में लग जाए, सत्संग में जाकर बैठ जाए, तो धीरे 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 उसकी बुद्धि की कमजोरी खत्म हो गई, तो वो अहल्या नहीं, वो सल्लिया बन जाती है, वो पत्थर बन जाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जमाना चाहे जो करे, लेकिन हम तो वो ही करेंगे जो हमारे पुरखों ने किया है, हमारे ऋषियों ने किया है, हमारे शास्त्रों ने कहा है, हम तो वही करेंगे। ये सलिया बुद्धि। और जो सलिया बन करके अपने संस्कारों में, अपनी संस्कृति में कायम रह जाए, तो वो कभी कभी कौशल्या भी बनकर भगवान को गोदी में भी ले जाए। गई पति लोक आनंद भरी, अहल्या जी ने बिता ली। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान गंगा स्नान करके अब जनकपुर जाते हैं। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान को अहल्या का स्पर्श हुआ ना, इसलिए भगवान ने जाकर गंगा स्नान किया। ऐसा नहीं है, अहल्या का स्पर्श ही राम जी के लिए गंगा स्नान है, अहल्या ही गंगा, अहल्या ही गंगा। दुनिया की दृष्टि में भले वो पतित महिला थी, वो स्वयं की दृष्टि में भी श्रापित थी। बाद में वो समझी कि मैं श्रापित नहीं हूँ, मैं तो अहोभागी हूँ। अहल्या स्वयं गंगा। और वहां से प्रभु जनकपुर पहुंचे। जनकपुर के बाहर औराई है,
उस अवराई में विश्वामित्र जी विश्राम करते हैं। प्रभु अवराई देखने के लिए चले गए। अवराई सत्संग का रूप है। इसलिए सत्संग को अवराई कहते हैं। आम के वृक्ष में पतझड़ नहीं लगती कभी। दुनिया के सभी वृक्षों में पतझड़ होता है, लेकिन आम के पेड़ को पतझड़ नहीं लगता। इसलिए सत्संग को अवराई कहा गया है। सत्संग को कभी पतझड़ नहीं लगता, चाहे सवेरे करो, चाहे शाम को कर लो, चाहे ठंड में कर लो, चाहे गर्मी में करो, किसी भी मुहूर्त में करो। भगवत चर्चा करने में मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हो सकता है कि जनक जी ने नगर के बाहर एक सुंदर औराई बनाई है, क्योंकि कई उदासीन साधु संत होते हैं जो नगर में नहीं जा रहे। जो नगर प्रवेश नहीं करते, तो ऐसे महात्माओं के लिए औराई बनाई है, वो वहां पर निवास करें और जनक जी जाकर के दर्शन कर ले, सत्संग कर ले। और आज इस सत्संग की औराई में भगवंत आ पहुंचे। विश्वामित्र जी विश्राम कर रहे थे और भगवान अवराई देखने गए थे, और उस मौके पर किसी ने महाराज को बताया, विश्वामित्र बता रहे हैं अवराई में खबर मिली। और ये सुनते ही जनक जी पहुंच गए। जनक जी को ये नहीं बताया किसी ने कि उनके साथ कोई है, क्योंकि विश्वामित्र जी के साथ है वो तो ब्रह्म है, और इसलिए वो उसी को दिखता है। जैसे अहिल्या पर दृष्टि पड़ी विश्वामित्र जी की, उस प्रकार जिस पर विश्वामित्र जी की कृपा होगी उसी को दर्शन होगा। जो उनके सभी संत के साथ ब्रह्म होता है, गुरु अकेला थोड़ी होता है, साधु अकेला थोड़ी होता है, लेकिन साधु के दर्शन में ब्रह्म का अनुभव हम तब कर पाएंगे जब संतों की कृपा के अधिकारी होंगे। जनक जी गए, विश्वामित्र जी के दर्शन किए, औराई में जाकर के बैठ गए उनके चरणों में। कुछ स्थान ऐसा होना चाहिए जीवन में कि जहां हम चरण में बैठ सके, जहां हम चरण में पालथी लगाकर बैठ जाए, जहां हम खुद को बच्चा समझ करके किसी चरण में हम बैठे। ऐसा कोई स्थान जगत में आपके लिए नहीं है, तो ये समझ लो कि ये सौभाग्य की बात नहीं। कोई एक स्थान ऐसा हो कि जहां आप छोटे बनकर के बैठ सकते हो, और जितना छोटे बनकर के बैठोगे गुरु के चरणों में, साधु के चरणों में, उतना आप दुनिया में बड़े ही होते जाओगे, बड़े ही होते जाओगे, बड़े ही होते। साधु के सामने बड़े ऊपर बैठोगे तो वो परिणाम नहीं आएगा। गुरु के सामने जितना छोटे बन करके बैठोगे, सरल सहज होकर के बैठोगे, उतना आप बाहर की दुनिया में बड़े ही होते जाओगे। सम्राट है चक्रवर्ती है महाराज जनक जी, और पालथी लगाकर बैठ गए विश्वामित्र जी के चरणों में। और अचानक राम जी आ गए। ए जा भाई रघुकुल
विद्या के राजकुमार हैं और मम हित लागी नरेश पठाए, ये भी विश्वामित्र जी का संकेत है। ये दोनों बालक मेरे पास अपना काम करने के लिए नहीं, मेरा काम सिद्ध करने के लिए आए हैं। और जनक जी भली भांति जानते हैं विश्वामित्र जी का काम मतलब विश्व का काम। ये दोनों मेरे काम के लिए आए हैं, यानी जनक जी समझ ले कि ये दोनों ये विश्व का मंगल करने के लिए आए, ये साधारण नहीं। जनक जी ने प्रार्थना की, आप इन दोनों को लेकर मेरे भवन पधारे। विश्वामित्र जी भवन पहुंचे, शाम को प्रभु नगर दर्शन के लिए भी गए। जो स्थिति जनक जी की बनी थी वही स्थिति सबकी बनी। धाये धाम काम सब त्याग, रात्रि विश्राम हुआ। दूसरे दिन विश्वामित्र जी प्रभु से कहते, आप दोनों भाई जाकर पुष्प वाटिका से पुष्प ले आओ। विश्वामित्र जी राम जी को पुष्प लेने भेज रहे हैं, तो पुष्पों से विश्वामित्र जी को क्या करना है? भगवान की पूजा, तो क्या इसके लिए भगवान को ही भेजा कि फूल लेकर आओ मुझे आपकी पूजा करनी? आपके यहाँ कोई संत पधारे हैं तो आप उस संत से ही फोन कर दो कि आप आ रहे हो तो 2000 फूल माला भी लेके आना, आपका स्वागत तो करना पड़ेगा। तो आपके स्वागत के लिए आप ही फूल माला लेके आओ। राम को फूल के लिए भेज रहे हैं, तो फूलों से भगवान की पूजा करनी है और भगवान से के लेके फूल लेकर आओ, और वो भी भगवान को जानने के बाद। यहाँ अन्य फूल की बात नहीं है, यहाँ फूल है केवल भक्ति, केवल सीता। जनक जी के जीवन बाग में दिव्य पुष्प खिला है और वो साक्षात भक्ति है, साक्षात सीता है। विश्वामित्र जी की प्रार्थना है, दुनिया के बाबू के फूल के तो आपने देखा है प्रभु, एक बार जिस शिष्य को, जिस आश्रित को मैंने तैयार किया है, मैंने साधना कराई है जिन लोगों को, प्रभु एक बार उनके हृदय के बाग में जाकर के देखो वो पुष्प वाटिका कैसी है और उसमें कैसा विशुद्ध प्रेम का पुष्प खिला हुआ है। वो केवल आपके लिए है। क्योंकि जनक जी के पुष्प वाटिका में मालियों का वर्णन है, जिस बाग के रखवाल होते हैं वो सुंदर होता है। हम सबका जीवन बाग है, जीवन में किसी साधु के संत के वचनों को माली बना लो, सत्संग को माली बना लो, गुरु के शब्दों को माली बना लो, जो महापुरुषों की देखरेख में उनके अनुकूल जीवन बनाता है तो जीवन सुंदर बन जाता है। अन्यथा मनुष्य की वृत्तियां वो बैल है, जो बैल उसको आधार न मिले तो बिखर जाएगी और उसको कोई सुंदर मोड़ दे दे तो शोभा बढ़ जाएगी। भगवान पुष्प वाटिका में गए हैं और उसी समय तेही अवसर वाटिका में जाते हैं, भवानी की पूजा से भवानी है साक्षात श्रद्धा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी का
गए स्वरूप को नारद जी ने स्थापित किया है, हम सभी के हृदय में सदगुरु ही श्रद्धा को स्थापित करते हैं। और एक ना एक दिन उस श्रद्धा के श्रद्धा जब परिपक्व होती है, विश्वास में परिणित हो जाती है, फिर विश्वास के प्रकाश में हम सबको अपने अपने राम का दर्शन होता है। आज वो समय है। सरोवर में स्नान किया और सीता जी भगवान के मंदिर में गई। मनुष्य के अंदर श्रद्धा को जगा देना, श्रद्धा की ज्योति जलाना, ये संतों का काम है। और बाद में संयम नियम जप तप के द्वारा उस ज्योति को जलती रखना, ये व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। उस ज्योत को अखंड रखना ही आपका काम है, कोई संत जला दे। जब प्रेम पूर्वक पूजा की है, अधिक प्रेम से पूजा के ही अधिक अनुरागा। जब अधिक अनुराग मूर्ति में होता है, उस दिन मूर्ति मूर्ति नहीं लगती किसी को भी, तब लगता है कि भगवान प्रसन्न है, कुछ कह रहा है। ऐसा सीता जी को भी लगा। भवानी कह रही है कि मांगो, क्या चाहिए तुम। और सीता तो मन ही मन कहती है, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, मतलब मेरे लिए जो योग्य हो वो मुझे दे दो, मेरे लायक जो चीज हो मुझे दे दो। ये नहीं कहा जिसके लिए मैं लायक भी नहीं हूं वो भी मुझे दो। निज अनुरूप सुभग बर मांगा, मेरे योग्य जो हो, मन ही मन कहा था। फिर भी एक सखी ने सुन ली। वो सखी कौन है? वहां पर कोई अपरिचित महिला थी। आज सखियों के साथ में एक अपरिचित महिला थी, लेकिन सीता जी ने सोचा पूजा के बाद परिचय करेंगे, कोई नई नई है, ठीक है बाद में परिचय कर। मेरी सखियों के घर कोई मेहमान होगा, नहीं तो यहां कौन आ सकता। और सीता की सखियों ने ये सोचा कि सीता के घर कोई मेहमान होगा, तो उसने भी नहीं पूछा कि तुम हो कौन, कोई नहीं जानता था। वो सखी गई बाग देखने के लिए, चली गई और उसने प्रभु को देखा। और भगवान उस समय फूल नहीं ले रहे थे, उस समय भगवान बाग देख रहे थे, क्योंकि भगवान जिस फूल को लेने आए हैं वो फूल तो अभी तक सामने नहीं आया था। वो तो सीता जी है, वो तो पुष्प अभी सामने नहीं है। तो राम जी उस पुष्प को ढूंढ रहे थे और सखी ने देखा, आंखों में आंसू आ गए राम लक्ष्मण को देखती हुई। प्रेम विवस सीता पर आई और आकर के जब रोती है, तो सीता जी ने सोचा कि अब जब रो रही है तो पहले तो ये पूछना चाहे कि तुम्हें हुआ क्या, उसमें परिचय करना भी ठीक नहीं, क्या हुआ। तो वो कहती है दो राजकुमार आए हैं, उन्हें दर्शन किए उनके। और जब सखी ने ये कहा कि मैं दर्शन करा सकती हूँ, वर्णन नहीं कर सकती, इससे सीता समझ गई थी कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, परमात्मा वाणी का विषय नहीं है।
भवानी प्रसन्न हुई, भवानी की मूर्ति डोलने लगी और पुष्पमाला जो सीता जी ने चढ़ाई थी वो प्रसाद में प्राप्त हुई। सीता जी को भवानी ने कहा भी सुनो सत्य अशीष हमारी पूजही, मन कामना तुम्हारी मन जाहिरा जो मिले सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान शील सनी बुजानत रावरो, आशीर्वाद मिला। और सीता गई राजभवन, राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। इस प्रसंग में सीता जी को राम दर्शन हुए हैं, कैसे पूजा के परिणाम में। पर राम लक्ष्मण को सीता के दर्शन मिले कैसे, गुरु सेवा के फल स्वरूप। जनकपुर में हजारों राजा आ चुके थे सीता जी को प्राप्त करने की उम्मीद लेकर के, और रंगभूमि में अपना अपना स्थान लेते हैं। जानबूझकर विश्वामित्र जी भगवान को जल्दी नहीं ले जाते, ये जगत को बताने के लिए ये देखो एक बार राम ये नहीं कहते कि चलो जल्दी चले रंगभूमि में, नहीं तो कोई और कोई तोड़ देगा धनुष। गुरुनिष्ठ व्यक्ति में धैर्य कितना होता है, गुरुनिष्ठ व्यक्ति में विश्वास कितना होता है, गुरुनिष्ठ व्यक्ति में विवेक कितना होता है, गुरुनिष्ठ व्यक्ति में शील कितना होता है, गुरुनिष्ठ व्यक्ति कितना धीर होता है, कितना प्रसन्न होता है, कितना शांत होता है, ये सारी बातें जगत को दिखा जाता है, कितना निश्चिंत होता है, कितना निर्भीक होता है, और निर्भीक होकर भी विवेकवान होता है। जब तक आज्ञा ना हो तब तक वो उठेगा ही नहीं, और जब आज्ञा हो जाए तो अपने सामर्थ्य पर भी संदेह नहीं करेगा। सदगुरु अगर कोई काम ऐसा दे दे जो सामर्थ्य से 100 गुना हो, लेकिन आज्ञा उठ होगी अपने सामर्थ्य में शिष्य संदेह नहीं करता। जब सदानंद जी को जनक जी ने भेजा, विश्वामित्र जी प्रभु को लेकर पहुंचे, जनकपुर के लोग भी वहां पर पहुंचे, सीता जी की सखियां सीता जी को लेकर के पहुंची, और जनक जी के सेवकों ने बार बार प्रतिज्ञा को दोहराया। सबसे पहले बता दिया कि ये शिव धनुष राहु है, क्योंकि बाद में कोई कहे कि पहले से बताया नहीं कि ये भारी है, और पहले से बताते तो हम कुछ काजू बादाम ये सब स्वास्थ्य बना के आते ना अपना, कुछ खा के आते, पहले से बताया नहीं, तो पहले से ही बताया है कि ये शिव धनुष ये राहु है। शिव शब्द इसके साथ जोड़ा है, इससे मार्गदर्शन भी मिलता है। शिव का भजन करो, जिन पर शिव की कृपा होगी, सिद्धों की कृपा होगी, वो ही तोड़ सकता है, ये मार्गदर्शन। लेकिन राजाओं ने तो माना कि ये तो छोटा सा है, सबको अपना अहंकार छोटा ही लगता है, पर दूसरा अभिमान करे तो आपको लगता है कि देखो अभिमान करे, जब खुद करते ना तब स्वयं का अभिमान किसी को बड़ा नहीं लगता। एक के बाद एक राजा गए धनुष तोड़ने के इरादे से, धनुष हिलता नहीं, 10,000 राजा एक साथ गए तब भी धनुष नहीं है, और मना भी नहीं किया जनक जी ने,
जब 10,000 गए, जनक जी जानते थे कि 10,000 से टूटेगा तो नहीं, क्यों, और उसमें राम नहीं है, इसलिए महाराज को कोई चिंता नहीं, 10,000 में राम जी नहीं थे। लेकिन इस बात की खुशी थी, 10,000 राजा मिलकर कोशिश करें और धनुष नहीं टूटेगा, और उसके बाद जब राम जी तोड़ेंगे तो राम की शक्ति दुनिया में सर्वोपरि साबित हो जाएगी। साबित खुद नहीं करना पड़ेगा, जब 10,000 मिलकर नहीं तोड़ सका और राम जी तोड़ दे। लेकिन जनक जी तब व्याकुल हो गए कि विश्वामित्र राम जी को आज्ञा नहीं करते थे कि उठो धनुष तोड़ो, तब व्याकुल हो गए, क्योंकि बिना आज्ञा के राम तो उठेंगे नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, बिना आज्ञा के राम धनुष तोड़ेंगे नहीं, और विश्वामित्र की आज्ञा कर नहीं रहे, इसलिए नहीं कर रहे थे। अभी भी 50 राजा थे बाकी जो तोड़ने नहीं गए थे, हालांकि वो तोड़ना चाहते भी नहीं थे, वो तो दर्शन के लिए गए थे, लेकिन विश्वामित्र जी को लगा कि अगर ऐसे ही मैं राम को बोल दूं राम जी धनुष तोड़ दे, ये 50 लोग हमेशा कहेंगे हमको मौका नहीं दिया था, नहीं तो हम तोड़ देते, इसलिए पहले सब आ जाए। विश्वामित्र जी आज्ञा नहीं दे रहे थे, जनक जी व्याकुल होकर, और व्याकुल होकर जनक जी ने जब राजाओं से कहा था, जब हुआ सनिज निज गृह जाहु लिखान विधि वैदेही विवाहु, कोई न समझे कि कोई नहीं तोड़ सका है, तो अब महाराज सीता को पुष्पमाला दे देंगे कि जिसे पहनाना हो पहना दो, ऐसा होने वाला नहीं है, मैं अपनी प्रतिज्ञा से हटने वाला नहीं हूँ, अगर धनुष न छूटा तो मैं ये मानूंगा लिखान विधि वैदेही विवाहु, इसके बारे में विवाह नहीं है। लेकिन आज मैंने देख लिया दुनिया में कोई वीर नहीं है, और ऐसा कहना महाराज का स्वाभाविक है, क्योंकि ये वो धनुष है जिसको 5 की उम्र में बाएं हाथों से सीता ने उठाया था, बाएं हाथ से उठाया, जिस धनुष को 5 की सीता बाएं हाथ से उठाती है, वो इतने बड़े बड़े राजा 2 से नहीं तोड़ रहे, तो फिर ये बात भी तो स्वाभाविक थी, वीर विहीन महिमा जान। ये सुनते ही भगवान की इच्छा से लक्ष्मण जी खड़े हो गए, प्रभु आप मुझे आज्ञा करो, मैं धनुष को लेकर दौड़ू 100 तक, तोड़ू नहीं बोल रहे, मैं दौड़ू, क्योंकि तोड़े तो विवाह है, लक्ष्मण जी कह रहे मैं दौड़ू, सुनो भानु कुल पंकज भानु कहो सुभाओ न कछु अभिमानो, जो तुम्हारा अनुशासन पाओ कंदु के वो ब्रह्मांड उठाओ, ब्रह्मांड उठाओ तोड़ नहीं। बड़ी सावधानी से बोल रहे, लक्ष्मण जी को बिठाने के बहाने राम जी ने विश्वामित्र जी को संकेत दे दिया, ताकि इधर से आज्ञा होगी तब उठूगा ना, विश्वामित्र जी समझ गए भगवान की आज्ञा मेरे लिए हो गई, अब मुझे भगवान को आज्ञा करो, उठे स्वामित्र जी की आज्ञा हुई, राम जी अब खड़े हुए, स्वामित्र जी के चरणों में नमन किया, चेहरे पर चिंता भी नहीं है और चेहरे पर अहंकार भी नहीं, ये भी नहीं अभी दिखा दूं जाके तोड़ दूं, और ये भी नहीं नहीं टूटा तो, क्योंकि गुरु आज्ञा है, चिंता की बात ही नहीं है, लेकिन गुरु शक्ति तोड़ेगी, हम अहंकार कैसे कर, अपनी स्वाभाविक गति से प्रभु नीचे आते हैं। जनकपुर के लोग अपने अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, राम के हाथों से धनुष टूटे इसके लिए सुनई नाथजी चिंतित थी, उनकी सखियों ने उनको समझाया कि राम तेजस्वी है, श्री सीता जी
श्री गणेश का स्मरण करते हैं। आपके पिताजी का धनु से थोड़ा हल्का कर दो ना। माँ भवानी से प्रार्थना करती हैं, आपके पति देव का है थोड़ा हल्का कर दो ना। भगवान शिव से प्रार्थना करती है, आपका है थोड़ा हल्का कर दो ना। माता पृथ्वी से कहती है कि नीचे से थोड़ा ऊंचा कर दो। अवतारे धनुष तोड़ने के इरादे से जब भगवान ने धनुष की ओर ताका तो राम की दृष्टि का स्पर्श ऐसा हुआ इससे धनुष हिल गया है पूरा। इससे धनुष कांप उठा, इसी से धनुष खोखला हो गया बिल्कुल अंदर। केवल दृष्टि से धनुष हिला और धनुष के हिलने से राम की दृष्टि भी धनुष पर है, सीताजी की दृष्टि भी उधर है। और ऐसे में धनुष से ऐसा प्रकाश निकला सबकी आंखों में भर गया, किसी को कुछ नहीं दिखता था। उस मौके का फायदा उठाकर भगवान ने हाथों से नहीं अपनी अलौकिक शक्ति से ही धनुष को ऊंचा किया। आज तो लगाया ही नहीं राम जी ने, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे कर बिनु कर्म करे। आज तो लगाया नहीं भगवान, तोड़ने के लिए नहीं लगाया। भगवान का कृपा स्पर्श जरूर हुआ है, इसको तोड़ने वाला स्पर्श नहीं। और बिल्कुल मध्य भाग से बचपन में देह वासना छोड़ना सरल है, बुढ़ापे में भी देह वासना छोड़ना सरल है, लेकिन जीवन की मध्य अवस्था में जिनकी वासनाएं खत्म होती है वही देश के रावणों का विनाश भी कर सकते हैं। वो समाज का कोई बड़ा काम भी कर सकते। बिल्कुल मध्य भाग से जब भगवान ने धनुष को अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा तोड़ा है और इतनी भयानक आवाज हुई, अरे भुवन भोज की जय जयकार हुई और सीता जी जय माला लेकर चलती है, प्रभु को जय माला पहनाती है और धनुष भंग की आवाज सुन करके परशुराम जी दौड़कर जनकपुर में आते हैं। परशुराम जी को अब विरोध करने की क्या जरूरत थी, जब विरोध ही करना था तो पहले करना चाहिए। जब महाराज जनक जी ने प्रतिज्ञा की शिव धनुष से तोड़े उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, उस समय विरोध तो तभी करना चाहिए, प्रतिज्ञा का विरोध करना चाहिए। जनक जी के यहाँ जाकर के उस समय विरोध न किया और अब परशुराम जी जाकर विरोध करते हैं तो वास्तव में ये क्रोध नहीं है, ये लीला है और इस लीला के पीछे परशुराम जी का क्या प्रयोजन है, इस प्रकरण पर हम चर्चा करेंगे कल की। गुरुदेव तुम्हारी जय, जय तुम्हारी वाणी तुम्हारी, जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, श्री गिरनारी महाराज की, श्री अचलेश्वर महादेव की, सब संतन की। नमः पार्वती।